असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू एयर फाउंडेशन सिस्टम दैट इज़ साइंस ऑफ ग्रेड फाइव एंड आवर टॉपिक इज़ सीड डिस्पर्सल मीन हाउ सीड डिस्पर्स इन इट्स एनवायरनमेंट सीड नीड टू डिस्पर्स आउट एंड ग्रो इन न्यू प्लेसेस जब सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो नए प्लांट को डेवलप होने के लिए सीड को कुछ रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती हैं दे ऑल्सो नीड टू गेट सफिशियंट स्पेस लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रोपिगेशन मेन उसको जर्मिनेट करने के लिए और नया प्लांट डेवलप होने के लिए सीड की कुछ रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट है उसको स्पेस चाहिए उसको लाइट चाहिए और उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए अगर ये सब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो वो डेवलप करेगा इनटू न्यू प्लांट सीड डोंट हैव एबिलिटी ऑफ़ लोकोमोशन सीट खुद से तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर नहीं सकता तो वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे वो फैक्टर उसके मोस्टली जो उसका मीन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं मीन के कुछ एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे एक्सटर्नल रीजंस हैं जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है उसकी मूवमेंट का बायस बनते हैं और फिर ऐसी जगह जो कि उसके लिए प्रॉपर जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके वहाँ पे वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो इसके लिए हम उसको दो कैटेगरीज़ उसके डिस्पर्सल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक तो प्लांट ख़ुद से उसको डिस्पर्स करता है और दैट कैटेगरीज़ बाय प्लांट इट्सल्फ मीन प्लांट ख़ुद से उसको डिस्पर्स करें प्लान डिस्पर्स था सीड्स ऑन देयर ओन सीट डिस्पर्स बाई बी कैसे प्लाट खुद से डिस्पर्स करेगा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा वो सीट कि जब वो सीट जो है वो एक सडन सडनली वो बर्स्ट करेगा लाउड साउंडस कैन बी प्रोड्यूस टू ड्यूरिंग देयर डिस्टेंस अब जब वो सीड ने बर्स्ट करना है जिसके अंदर वो सीड इनक्लोज है मे बी के वो कोई पॉड है तो कोई उसका प्रोटेक्टिव uh, कवरिंग है तो वो एक जर के साथ मीन एक सडनली uh, एक झटके के साथ वो ओपन होगी और उसमें एक साउंड भी प्रोड्यूज होगी डिस्टेंस मीन ओपनिंग ऑफ द कवरिंग ऑफ सीड दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म ये जो सडन ओपनिंग है सीड की साउंड प्रोड्यू होती है इसमें और एकदम से वो ओपन पॉड जो है ओपन होती है बस्ट होती है इस ये जो वे है इसका पॉड का ओपन होने का इसको हम एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म व्हाट इट इज़ कॉल्ड इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव मकैनिज्म ड्राई पॉड ऑफ बीन एंड पी आर एग्जाम्पल्स पी और बीन इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं देयर दीज फर्स्ट ब्रेक इंटू टू हाफ्स ये जो पॉड है दैट इज लाइक पॉड ऑफ पी अब क्या होगा जब ये बर्स्ट होगी सडन जग के साथ तो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में ये पॉड डिवाइड हो जाएगी दैन द हाफ्स ट्विस्ट स्पायरली ये जो हाफ्स हैं दोनों ये ट्विस्ट होंगे स्पायरल वे में मुड़ जाएंगे अब क्या होगा जो इसके अंदर सीड्स हैं वो थ्रो हो जाएंगे बाय द प्लांट यर सेल्फ एट लॉन्ग डिस्टेंस द हाफ्स ऑफ द पॉड कर्ल बैक एंड फ्लिक आउट द सीड्स अब जब वो कर्ल होता है ट्विस्टिंग में ये जो पॉड है तो सीड्स जो हैं एक्सप्लोसिव मैनर में थ्रो हो जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे इस तरह से प्लांट खुद से अपने सीड्स को डिस्पर्स कर देता है ये तो प्लांट इट्सैल्फ उसको डिस्पर्स करता है दूसरी कैटेगरी है एक्सटर्नल फैक्टर वो क्या है बाय वाटर सीड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बाय एनिमल्स कुछ एनिमल्स हैं जो एजेंट बन जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह सीड को ले जाने के लिए या फिर बाय एयर एयर इज़ आल्सो अ एजेंट टू मूव सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आपने भी देखा होगा कुछ सीड्स उनके ऊपर विंग्स होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो हवा में आपको ऐसे फ्लाई करते नजर आते हैं तो वो एक तो उनका वेट लाइट होता है दूसरे उनके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं हेयर लाइक और फीदर लाइक -like. जो उसको एक जगह से एयर इजीली मूव कर देती है इन सीड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस तो अब सीड डिस्पर्स्ड बाय एयर ये जो प्रोसेस है सीड के एक जगह से दूसरी जगह जाने का इसको हम एनीमोकोरी भी कहते हैं सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द हेल्प ऑफ विंड जिसमें सीड जो एक जगह से दूसरी जगह विंड से मूव करते हैं और क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सीड्स लाइट वेट होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं तो विंड इनको इजीली कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर द सीड्स हैव अडोप्टिड डिफरेंट अडाप्टशंस मीन उन सीड्स में कुछ ऐसी चेंजेस आती मतलब मीन उनका वेट कम हो जाता है मीन उनके ऊपर एयर लाइक स्ट्रक्चर्स या विंग्स डिवेलप हो जाते हैं जो कि उनको फ्लाई करने में और दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं सो दीज आर दी और चेंजेस इन द सीड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर पेपर पॉट टाइप इसमें क्या होता है ओवरी ऑफ दर कंटेन सीड। ओवरी के अंदर सीड है द सीड बिकम ड्राई एंड डिस्पर्स सीड जो है वो ड्राई होगा अब जब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो फिर विंड से जब ये ओवरी शेक होती है तो सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है एक टाइप है पैराशूट टाइप पैराशूट टाइप में क्या होता है दीज हेयर हेल्प टू फ्लोट ऑन विंड फॉर लॉन्ग टाइम इनके ऊपर कुछ फीदरी हेयर्स हैं ये आपकी बुक में भी डायग्राम है इसमें कुछ फीदर लाइक -like हेयर्स हैं टॉप पे तो ये पैराशूट की शेप भी थोड़ा इसमें इम्प्रेशन आ रहा है ये उस फीड सीट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं सो so, एयर से इस तरह से ये सीड जो हैं मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एक वे है कि डिस्पर्स बाय वाटर और ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं हाइड्रोकोरी इसके लिए स्पेसिफिक टर्म क्या है हाइड्रोकोरी द प्लांट्स दैट ग्रो नियर द वाटर डिस्पर्स देयर सीड विद द हेल्प ऑफ वाटर उसमें सीड जो है वो जब प्लांट ग्रो करेगा नियर द किसी आ, किसी भी वाटर बॉडी के करीब तो वो सीड जो है वो फॉल करेंगे इन द वाटर और वाटर की मूवमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उस सीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए टू इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है दे आर एनिमोकोरी एंड हाइड्रोकोरी तो आज के इस लेक्चर में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ट्राई टू अंडरस्टैंड और कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है लेट मी नो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट थैंक यू स्टूडेंट्स